नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देख न्यूज, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं बुलेटिन। हिजाब विवाद को लेकर यूपी के अलीगढ़ और महाराष्ट्र के मालेगांव की मुस्लिम महिलाओं ने किया प्रदर्शन, कहा हिजाब हमारा हक, हम इसे नहीं उतारेंगे। पंजाब की आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवत मान के अमृतसर रोड शो पर हुआ पथराव, सिर पर लगी गंभीर चोट, ले जाया गया अस्पताल, हुई मरहम पट्टी। हरियाणा के सिरसा में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जलाया पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के सीएम केजरीवाल का पुतला। दिल्ली शादरा में हुए रेप हादसे को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन, कहा बेटी को न्याय दे सरकार। मेरठ में गुरुवार को चुनाव के दौरान सरधना के सलावा गांव में मतदान धीरे कराने के आरोप में विधायक संगीत सोम पर दर्ज हुआ केस। आरोपी विधायक ने समर्थकों के साथ किया था हंगामा, पीठासीन अधिकारी के साथ भी की थी पिटाई। एन चंद्रशेखरन को बनाया गया टाटा सन का दोबारा से चेयरमैन, 5 साल के लिए हुई नियुक्ति। टाटा ट्रस्ट बोर्ड और रतन टाटा की मीटिंग में हुआ बड़ा फैसला। भारत और वेस्टइंडीज के बीच ओडीआई सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया निर्णय। अय्यर के 80 पंत की 26 रन की पारी की बदौलत भारत ने 50 ओवर में सभी विकेट खोकर बनाए 265 रन। कल होगी आईपीएल 2022 एडिशन की मेगा नीलामी, श्रेयस अय्यर, रवि अश्विन, डेविड वॉर्नर जैसे बड़ी खिलाड़ियों पर होगी सभी टीमों की नजरें। रणबीर कपूर स्टारर फिल्म शमशेरा 22 जुलाई को सिनेमा घरों में होगी रिलीज। फिल्म को हिंदी समेत तमिल तेलुगु भाषा में किया जाएगा रिलीज। फिल्म में रणबीर कपूर के साथ नजर आएंगे संजय दत्त और वाणी कपूर। हिजाब विवाद को लेकर सामने आए कंगना रनौत और शबाना आजमी, बीच में कूदे फैंस, कई फैंस ने किया कंगना रनौत का समर्थन, वहीं कई फैंस ने शबाना आजमी को ठहराया सही। भारतीय एयरटेल मोबाइल और ब्रॉडबैंड सर्विस को लेकर देश भर के कई हिस्सों में यूजर्स ने दर्ज कराई अपनी शिकायत, कहा नहीं चल रहा सिम का इंटरनेट। वहीं भारतीय एयरटेल ने मांगी अपने यूजर से माफी, कहा असुविधा के लिए खेद। ये थी दिन भर की 10 तमाम बड़ी खबरें। ऐसी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।